लेकिन हकीकत यह है कि हम 11 में से एक पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। धन, पैसा, प्रशासन, पुलिस सबका दुरुपयोग करने के बावजूद भी कांग्रेस के वोट शेयर में की कमी नहीं आई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी अगले कार्रवाई करनी है इस समिति की रिपोर्ट के बाद, कांग्रेस का जो AICC का लीडरशिप है, खड़गे साहब, तमाम नेता, हम चर्चा करेंगे और जहां कुछ भी हम लोग और बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में दो वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है। जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। जब चुनाव होने जा रहे थे तब छत्तीसगढ़ में हमारे दो सांसद थे और इस बार हमारा संख्या बल कम हुआ है, लेकिन जो दूसरी सीट हम हारे हैं बहुत कम अंतर से, एक आखिर की सीट, वो 1800 वोट से हम हारे हैं। उस पर भी दोबारा कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप हुआ है, प्रक्रिया को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पर आज हमको ज्यादा लीड मिली है और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 5-6 लाख वोट हम लोगों को ज्यादा मिला है पिछले चुनाव से। लेकिन हकीकत यह है कि हम 11 में से एक पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहां हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट AICC को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो हमारा समर्थक मतदाता है, उसकी संख्या में कहीं कमी नहीं आई है। मजबूती से बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है और इस सरकार ने सब कुछ किया, धन, पैसा, प्रशासन, पुलिस सबका दुरुपयोग करने के बावजूद भी कांग्रेस के वोट शेयर में की कमी नहीं आई है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मजबूती के साथ हमारे साथ वो खड़े रहे हैं और देश भर में हर जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है इस परिणाम के बाद, देश में जो परिणाम आया है, और राहुल जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद युवाओं में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ताकत मिली है और हर मुद्दे पर हम न सिर्फ निगरानी रखेंगे लेकिन एक सशक्त, मजबूत और निर्भयी विपक्ष बनकर सरकार की जवाबदेही तय करेंगे संसद के अंदर और सड़कों के ऊपर। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी अगले कार्रवाई करनी है इस समिति की रिपोर्ट के बाद, कांग्रेस का जो AICC का लीडरशिप है, खड़गे साहब, तमाम नेता, हम चर्चा करेंगे और जहां कुछ भी हम लोग और बेहतर कर सकते हैं उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ना, कारण तो देखो, कई राज्यों में हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, कई राज्यों में हम लोग अपनी उम्मीद से कम जीत पाए हैं, वो चाहे छत्तीसगढ़ है, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इन सब राज्यों में हम लोग एक अलग रणनीति बनाकर काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में स्थिति भिन्न है क्योंकि यहां पर हमारा वोट कम नहीं हुआ, यहां पर हमारे वोट शेयर में बनस्पत इजाफा हुआ, चाहे थोड़ा हुआ हो, और हम एक सीट सिर्फ 17-18 वोट से हारे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, बाकी चुनाव भी आएंगे, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं और बूथ से लेकर प्रदेश तक जो हम लोगों को परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और मजबूती ताकत देनी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेन कांग्रेस को, उस सब काम को हम लोग करें। सर, ये बात आ रही है कि आपसी सहयोग उस तरह से नहीं रहा, दूसरी बात ये कि ये कहा गया कि आपस में ना लड़े और कलेक्टिव लीडरशिप हो। और पहली बात तो आप सूत्रों पर विश्वास मत करिएगा, मैं आधिकारिक बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस राज्य का प्रभार दिया गया है। सब नेताओं से हमने बात करी है और सब लोगों ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि लोकसभा चुनाव के अंदर हम सब ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को गंभीरता से लिया, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव को लड़ा। हम लोग थोड़ा पीछे रह गए लेकिन वोट हमारा बरकरार है, लोग हमारे साथ हैं। जिले, प्रदेश, राष्ट्र, कांग्रेस संगठन में जब जहां जरूरत पड़ती है वहां पर लोगों को मौके दिए जाते हैं। अभी मुझे लगता है हम इस रिपोर्ट को सुनने के बाद भविष्य में क्या रणनीति अपनानी है, ये जो कमेटी बनी है ये किसी को बनाने बगाड़ने के नहीं है, ये सुझाव लेने के लिए है कि हम और आगे कैसे मजबूती से काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी निर्णय करना होगा उसको खड़गे साहब और राहुल जी मिलकर करेंगे।